जिंदाबाद 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 भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की ओर से निरंतर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और आज हमारे रेलवे विभाग की तरफ से एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। 6.5 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की हमारे तिरंगे की स्थापना मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन परिसर में की गई है, जो निरंतर यहाँ पर आने जाने वाले सभी जनपद वासियों को और वो तमाम लोग जो यहाँ दूसरे स्थानों से आते हैं इस ध्वज को देखकर एक राष्ट्रीय गौरव के एहसास को निरंतर पैदा करेगा। साथ ही विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 55 लाख प्रति यूनिट की लागत से 2 लिफ्ट स्थापित की जा रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे, जो खास तौर से हमारे जो वृद्ध जन हैं और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। तो आज ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हमारे दोनों मिर्ज़ापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर किए गए। मैम, आचार संहिता लागू होने वाला है कुछ दिन में, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में मैम क्या बात बनी गठबंधन को लेकर, क्या कितनी सीटों का चुनाव? गठबंधन सही दिशा में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सीटों के बंटवारे पे बातचीत चल रही है। मैम, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कई जिलों में छापेमारी करवा रही है, क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, ये सब संस्थाएं जो हैं वो नियमित रूप से किसी न किसी को पूछताछ के लिए बुलाती हैं, जांच करती हैं, तो ये इनका एक नियमित काम है और मुझे लगता है कि किसी के खिलाफ भी यदि जाँच हो रही है तो यदि कुछ चिंता करने की विषय नहीं, अगर कुछ ऐसा गलत किया नहीं है तो भयभीत नहीं होना चाहिए। मैम, छात्रों के ऊपर जो